सामने आपके खड़ी है 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी। तो ये गाड़ी का जो वेरिएंट है ये है एम्पावर। तो गाड़ी के आप लुक चेक करो, ये बिल्कुल ऐसे टाटा कर्व से इंस्पायर हैं। तो सामने आपको मिल जाएंगे ये डे टाइम रनिंग एलईडी जो कि कनेक्टेड है, और ये टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको आ जाएगा टाटा का लोगो, और उसके नीचे आपको ये कैमरास आगे, सेंसर्स आगे, और साइड में आपको मिल जाएंगे एलईडी हेडलाइट सेटअप। हम आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की साइड प्रोफाइल में। तो अगर हम टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 16 इंचेस का अलॉय भी मिल जाएगा। तो इस गाड़ी का जो अलॉय का डिज़ाइन है ये भी चेंज कर दिया गया है। ऊपर आपको मिल जाएंगे ORBM विद टर्न इंडिकेटर। तो अभी हम आगे हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो जहाँ पे आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट मिल जाएंगे, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, और उसके नीचे आपको मिल जाएगी स्किड प्लेट, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी EV की वैचिंग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो, ऊपर आपको मिल जाएगा शॉफिन एंटीना। तो भाई गाड़ी की बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से है ये। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की फ्रंट रो में। तो जहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिक्वायर्ड सेंसर मिल जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की फ्रंट रो में। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये टाटा की गाड़ी है, ऐसे लग रहा है कि ये किसी लग्जरी ब्रांड की गाड़ी है, जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया। क्योंकि यार गाड़ी के आप एक बार थीम चेक करो, ये देखो व्हाइट और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील से ही। तो आपको मिल जाएगा 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, ये वर्ल्ड फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टचेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे विंडो का कंट्रोल आगे, तो ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिल जाएगी थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपनी बोतल रख सकते हो, कोई आप यहाँ पे अम्ब्रेला भी रख सकते हो। आपको JBL साउंड सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे AC के वेंट। तो आपको फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ये 12.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है बाय हार्मन। उसके नीचे आपको आ जाएंगे ये टच बेस, आपको AC के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, और उसके नीचे आपको ये गियर नॉब मिल जाएगा, ये पूरा लग्जरी फील दे रहा है। और उसके आगे आपको ये आ जाएंगे स्पोर्ट्स मोड है, ये इको है, ये सिटी है, ये सारे ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे। ऑटो होल्ड का फीचर भी मिल जाता है इस गाड़ी में। तो भाई इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिल जाता है, तो मज़े ही मज़े हैं। तो अभी हम आगे हैं टाटा ईवी के बैक रो में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे AC वेंट, उसके नीचे आपको मिल जाएगा 45 वाट का चार्जर का जो सॉकेट है, और सिटिंग कंफर्ट तो भाई गाड़ी का एक नंबर है। मतलब अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विंडो के कंट्रोल, और ये भी हार्ड प्लास्टिक है। आपको मिल जाएंगे हेडरेस्ट। भाई ये था टाटा नेक्सॉन ईवी का एक डिटेल रिव्यू। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का कि गाड़ी कब बाय कब बाय कब बाय। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है शोरूम में। तो अभी हमने इस गाड़ी का रिव्यू कर दिया। तो अगर आप चाहो तो गाड़ी को बुक करवा सकते हो, ये है ग्रेटर क्रॉस जम्मू कुजवानी। तो यहाँ पे आके आप अपनी गाड़ी को बुक करवा सकते हो। भाई गाड़ी एक नंबर लग रही है, ऐसे पूरी लग्जरी वाइब दे रही है, लग ही नहीं रहा कि ये टाटा की गाड़ी है।